सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी ट्रेलवी नप दो नप दो। हेलो जी, माय नेम इज रमी सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर। सर श्री अकाल। सो गाइस, आपा एक रिसेंटली वीडियो देखी सी पिछे जे चंग डॉक्यूमेंट्री डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान दे विच है, तुहानू पता होना हीर रांझा मिर्जा साहिबा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ते होर भी कई नामवार शख्सियतां उत्थों बिलोंग करदियां ते आपा उन्हां बारे सुनिया सी, पढ़िया सी, देखिया सी ते सानू लग्गिया सी अच्छा ठीक है। हाँ जी। उस तो बाद फिर तुसी रिक्वेस्टां कर रहे थे कि यार एक अद्धी होर वीडियो बनाओ जंग ते, ते अज एक होर वीडियो लैके हाजिर हो गए जिदे विच आपां देखांगे हीर रांझे दा दरबार। ते वीडियो हुण शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो सरकार, ते वीडियो करांगे आपां शुरू। कुड़ी बोलदी हुंदी ओह वाली वीडियो। यस बिल्कुल ओही जिहनूं तुसी क्या सीगा के मतलब इदां। हाँ जी, जो भी क्या सी। हाँ ते बट वेखो सारी ऑडियंस ने तुहाडा साथ दित्ता, मैं कमेंट्स रीड कीते सी, सारे यानी कह रहे सी हाँ जी भाभी जी ठीक कह रहे ने। ते बाकी ओह इक किसी ने क्या सी सॉरी हस के। हाँ मतलब उन्होंने भी बिहाफ से आप सॉरी कह रहे हैं। बट यार तुसी किन्ने चंगे हो यार, वाकई यार सीरियसली लॉट्स ऑफ लव यार गाइस तुहाडे सारे दे लई। ते वीडियो करी शुरू फिर ठीक, पर उस तो पहला मेक श्योर के रेड कलर का जो सबसक्राइब का बटन बनया उन्होंने जरा नप दो, तो किली भी नप दो जी नाल बनी है बैल आइकन मतलब, तो उन्होंने ताकि नोटिफिकेशन तुहाडे फोन तुहानू मिल जाए। सो वीडियो करेंगे शुरू, लेट गेट स्टार्टेड। आज मैं अपनी पप्पो के यहाँ जा रहा हूँ। पप्पो औरंगाबाद में रहती है। पुआ औरंगाबाद एक छोटा सा फुफो की होता, मासी होती है, मासी के दरमियान बात, फुफड़ फुफो मासी है। औरंगाबाद जा रहे थे तो रास्ते में इस कदर धुंध थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। ओहो त्रिल तोंद, जैसे जैसे सफर नहीं तोंद दिन चढ़ता जाएगा और फॉग कम होती जाएगी। हमारी चाहत तो ये थी कि ऊंची फिल्म्स के इस ट्रैवलॉग में इस गाँव को भी भरपूर तरीके से कवर किया जाए, पर जब हम गाँव पहुंचे तो वहाँ हर तरफ मंजर ज्यादा थी कि पूरा मंजर धुंधला गया था, इसीलिए हम इस गांव में कुछ खास रिकॉर्डिंग कर नहीं सके। पर एक बात है, मैंने यहाँ आके अपनी जिंदगी में पहली बार जीरो विजिबिलिटी एक्सपीरियंस की है और ये समझा है कि ये जो सिचुएशंस, ये जो सिनेरियो जिस तरह के होते हैं ना जिनमें फॉग बहुत ज्यादा होती है, ये यहाँ की रोजमर्रा लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती है। पर ये वीडियो में सारा कुछ विजिबल है, पालतू बंदर देखा। पहले हमने बंदर को देखा, फिर बंदर ने हमें देखा और देखते ही देखते हुखियाने लगा, संगली तोड़ रहा है, गुस्से में लग रहा था, बस नहीं चल रहा था, किसी तरह अपनी चेन को अपने ही दांतों से काटे और हम पे हमलावर हो गया। मैं वीडियो बनाने उसके करीब गया तो लपक के आया भी मेरी तरफ, लेकिन शुक्र है बचा। ओए ओए बाकी था बचा भाई, बीच ही आ गया ना, पता नहीं यार वही था बीच थलने, मैं गलत क्यों बोल लिया नहीं है, फोग में के करीब ट्रेल ये ना आप को मजा ये पड़ा पड़ा लग खो के ले आए दिस मान। पंजाब की मशहूर तरीन लोक दास्तान है। यस ठंडो च बनाई वीडियो, बहुत से राइटर्स ने अपने अपने अंदाज में लिखा, अहीर है उन सब में मकबूल तरीन हीर वारिस शाह की हीर कहलाई या। जो के
मजारों पे बकायदा हाजिरी अभी किस मजार से आए आप? मैं पाकपतन से। अच्छा पाकपतन से। मुस्तकिल इसमें आपका नाम क्या? एक महीना होता है, एक महीने में। अच्छा अच्छा, दो महीनों के बाद। आपका नाम क्या? मुख्तार अहमद सियालवी। मुख्तार अहमद? मुख्तार अहमद सियालवी। सियालवी। आप वैसे ही किस शहर से? जी मैं मियांवाली का। मियांवाली से। और अभी आप पाकपतन से आए? पाकपतन से। और यहाँ से कहाँ जाएंगे? जी मैं अब जाऊँगा इस वक्त तो माशाल्लाह सरगोधा। अच्छा सरगोधा में किसी मजार से? सियाल शरीफ में। सियाल शरीफ मजार है कोई? जी मजार है। अच्छा अच्छा, मतलब एक महीना निकाल के पूरा? जी बिल्कुल, तीन महीने के बाद गया होता है जनाब। मैं काम क्या करते हैं? जी काम क्या? पिंशनर हूँ जनाब मैं, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। काट मार। तो आपने एक महीना छुट्टी का ले गया आप? जी पक्की नहीं, पेंशन हो गई हमारी। अच्छा अच्छा, पेंशनर है? पेंशनर। अच्छा, 19-20 हजार रुपए मिलता है। माशाल्लाह जवान है। तो फिर आप उनको ये मजार वगैरह के अंदर सारा? जी बिल्कुल। एज तो लगती तो नहीं आपकी? नहीं, मैं एज हमारी 60 साल है। नहीं बिल्कुल नहीं लगती। नहीं जवान लगता है, अल्लाह का करम। नहीं लगती ये मदारों की बरकत होती है। और भी किया पटा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले 10वें में मैं गया हूं। 10वें में उमरा करके आए? उमरा करके। जबरदस्त। तो ये हीर के मदार पे आ जाए मैं। क्या नाम क्या बताया? मुख्तार अहमद सियालवी। मुख्तार अहमद सियालवी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। नाइस यार, मतलब बंदा आदमी मुख्तार अहमद सियालवी साहब थे। काम करने तो बाद ओके सो इस अज की वीडियो वीडियो इज़ क्वाइट ऑसम। पहले ही देख रहे हैं जी चीज़ आपको हमेशा चंगी लगती है, तो मैंने तो अज की यह वीडियो देख के काफ़ी नॉलेज मिली है ना कि हीर रांझा। मैंने यही नहीं पता सी दरबार भी बने हुए एंड ये भी नहीं पता। हाँ जी यही कहने लगे बिल्कुल दिल की गल जानते क्योंकि ये मेरी हीर है बैठी है थे। सो मैं ये भी नहीं पता सी कि लोग जाके उतना मजार से पूजते हैं उन्होंने, उन्होंने मतलब प्रे करते हैं ना उन्होंने। हाँ जी, और मुंडे तो अगे बंदे आ ते कुड़ियां चूड़ियां चूड़ियां पांदियां। एक गल मेरी समझ तो बाहर आ कि वह एक दूजे नूं प्यार करदी सी हीर रांझा है ना, तो जग उन्हां दा वैरी सी, इसलिए उन्होंने इस दुनिया तो अलविदा कहना पिया है ना। तो लोग उन्हां कोल जाके अरदासां करदे आ वी सानूं साडा प्यार मिल जाए, एंड मतलब यदा मतलब वह सपोर्ट करते हैं है ना, भी इन्हों इन्हों के मन में यही है सब दे भी वह सच्चे आशक है हाँ। ना तो मतलब जिमें एक पॉजिटिविटी होंगी है ना, पॉजिटिव वाइब्स होंगे, एंड इन्हों का वो मनना होगा कि असं जेकर उत्थे जाके उन्होंने दरगाह से जाके ये प्रे करा तो हो सकता सानू साडा प्यार मिल जाए, क्योंकि वह सच्चिया रूहों वो चीज़ कह रहे हैं है ना। सो हाँ जी, मतलब इस करके एक बिलीफ बन जाता है ना। हाँ जी, पहले जग मतलब उन्होंने पिछे प्यार सी वैरी सी, हुण वही जग उन्होंने पूछता है पता नहीं। इतिहास जिहड़ा आपदे आप नूं दोहरांदा ते उन्हां लोकां नूं भी पता होंदा यार, जिहड़े बंदे इदां दे सच्चे होंदे आ ना कि उन्हां नूं दुनिया रहिंदी दुनिया तक लोग उन्हां नूं याद रखदे आ। ते हुण देखो मिर्जा साहिबा दी वी दरगाह फिर इहदा मतलब पक्का बणी होएगी। हाँ जी है ना, देखनी पैगी। यस सो गाइज, बहुत वधिया सी यार अज दी वीडियो, अच्छा लग्या देख के। तो जिहड़े सच्चे प्यार वाले आ ना यार, उन्हां नूं आपदा प्यार मिल ही जांदा, तो जिहड़े लोग टाइम पास करते हैं तो उन्हां दा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा तो यही मनना। सही गल है, सही गल है। ओके ठीक है, ठीक है भाई, खान को तो कह रहे हो ठीक है। सही गल है, सही गल है। ओके ओके गाइज, आई डोंट नो कि इन्हें कदम की होया। सो वीडियो इतनी आप समाप्त कर दें। पता नहीं मेरे वीडियो में शुरू तो
ਮੈਂ ਨਾ ਤੰਦਰੀ ਤਰੇਲ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬੋਕਸ ਬਣਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਜੀਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾਈਜ਼। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਮੁਚਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ,